हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन सर की आने वाली फिल्म क्रिश 4 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की स्टारकास्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। क्या इस फिल्म के अंदर दीपिका पादुकोण रहेगी, कैटरीना कैफ रहेगी, कृति सनोन रहेगी या फिर प्रियंका चोपड़ा, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप भी अगर ऋतिक रोशन सर के ट्रू फैन है तो इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्रिश का पहला भाग था कोई मिल गया, उसके बाद क्रिश आई, फिर क्रिश 3 और अब क्रिश 4। दोस्तों, ये चारों के चारों पार्ट को डायरेक्शन देने वाले राकेश रोशन। और दोस्तों, इस सभी फिल्मों में हमें लीड रोल में हमें ऋतिक रोशन देखने को मिले थे। दोस्तों, ये एक सुपर हीरो फिल्म है। कोई मिल गया फिल्म 2003 में आई थी, उसके बाद 2006 में क्रिश फिल्म आई और उस फिल्म की स्टारकास्ट में लीड रोल में हमें ऋतिक रोशन के ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा देखने को मिले थे। 55 करोड़ के बजट में बनाए इस फिल्म ने 100 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था। उस फिल्म के सक्सेस के बाद मेकर्स क्रिश 3 फिल्म लेके आए 2013 में और उस फिल्म के स्टारकास्ट में लीड रोल में हमें ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनावत और विवेक ओबेरॉय देखने को मिले थे। और वो फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। 95 करोड़ के बजट में बनाए इस फिल्म ने 393 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया और इस फिल्म के VFX स्ट्रॉन्ग दर्शकों को बहुत ही पसंद आए थे। अब दोस्तों, मेकर्स इस फिल्म का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं और ये फिल्म ऋतिक रोशन के करियर की सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म बनने वाली है। जी हां दोस्तों, इस फिल्म को 300 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म में के अंदर हमें क्रिश यानी कि ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे और दोस्तों, जो दूसरी सुपर हीरो रहेगी वो है कृति सनोन। जी हाँ दोस्तों, कृति सनोन इस फिल्म में सुपर गर्ल का रोल करती नजर आएगी, यानी कि दो सुपर हीरो रहेगी, क्रिश और कृति सनोन। दोस्तों, इस फिल्म में ऋतिक रोशन डबल रोल करने वाले हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोस्तों, एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने बताया कि इस फिल्म की स्टोरी कंप्लीट लिख चुकी है, जल्द से जल्द इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट होगी और ये फिल्म जल्द से जल्द थिएटर पर रिलीज होगी। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग 2021 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म हमें 2022 के दिवाली के मौके पर या फिर क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। दोस्तों, इस फिल्म का बज़ बहुत ही हाई है पब्लिक के बीच में, क्योंकि ये एक हाई लेवल का एक्शन रहेगा। और दोस्तों, राकेश रोशन का कहना है कि क्रिश सीरीज की ये लास्ट फिल्म रहेगी, इसके बाद क्रिश का कोई पार्ट नहीं आएगा। इसके लिए, इस फिल्म के लिए वो इतना मेहनत कर रहे हैं कि ये फिल्म पूरी लाइफ टाइम याद रखे, उस तरह की फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग के बाद ऋतिक रोशन धूम 4 फिल्म की शूटिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, धूम 4 फिल्म में हमें फिर से ऋतिक रोशन दिखने वाले हैं, ऐसा रूमर्स आ रहा है। और दोस्तों, वो भी एक हाई बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म रहेगी। तो दोस्तों, आप क्रिश 4 और धूम 4 ये दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना।